केव नंबर थ्री, केव नंबर टू और ये केव नंबर वन। नाइट सफारी का अलग ही एक्साइटमेंट है। तो ये है गाइस शिवलिंग और बहुत ही बड़ा शिवलिंग है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम भोजपुर एमपी। अभी हम हैं भोजपुर में और ये है वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को की और यहाँ पे है शिव मंदिर और बहुत ही बड़ा शिवलिंग तो जो हम देखने आए हैं तो अभी आपको दिखाएंगे। तो सुबह हम लगभग 6 बजे उठ गए थे, रेडी होते होते पूरे 8 बज गए थे और फिर हम 8 बजे निकले और 8:37 हो चुके हैं। आज पहला हमारा जो डेस्टिनेशन ये है शिव मंदिर जो यूनेस्को हेरिटेज साइट है, 11वीं सेंचुरी का जो राजा भोज था उसने बनाया था। देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं अब हम इस मंदिर को, के बाद जाएंगे भीम केव जो कि लाखों साल पुरानी केव्स हैं, के बाद निकल जाएंगे फिर हम सीतावर्णी टाइगर रिजर्व में उसको एक्सप्लोर करने और सफारी भी करेंगे वहाँ पे। आज का प्लान हमारा यही है सिर्फ। तो गाइस अभी आप देख रहे हैं भोजपुर का प्राचीन शिव मंदिर, ये भोजपुर में है और एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है और ये 11वीं सेंचुरी में राजा भोज द्वारा बनाया गया था। और इसकी एक स्टोरी है कि इस मंदिर को एक ही रात में बनाया जाना था लेकिन ऐसा हुआ नहीं, सुबह होते होते इस मंदिर का काम रोक देना पड़ा। उस समय छत का काम चल रहा था लेकिन सूर्योदय होने के साथ साथ मंदिर का निर्माण का कार्य भी रोक देना पड़ा, तब से ये मंदिर अधूरा है। इस मंदिर के अंदर सबसे बड़ा प्राचीन शिवलिंग है जिसकी लंबाई 18 फीट ऊंचाई है और 7.5 फीट चौड़ाई है। टोटल मंदिर की जो ऊंचाई है वो 40 फीट है। 4 पिलर्स पे ये मंदिर खड़ा हुआ है और इसके बाहर बहुत ही शानदार मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं। तो ये मेरे पीछे मंदिर है तो हमने दर्शन कर लिए, तो हम वापसी जा रहे हैं अपने होटल में, वहाँ जाके अपने गियर पहनेंगे, राइडिंग गियर्स, और फिर निकल पड़ेंगे भीम केव देखने, वहीं से फिर आगे निकल जाएंगे। तो आज हमें एक और ग्रेट राइडर जुड़ने वाले हैं हमारे साथ, गौरव भाई जो कि भोपाल के पास ही रहते हैं। तो जैसे हम एमपी आए तो उनको हमने बता दिया था कि हम एमपी आ रहे हैं तो उन्होंने हमारे साथ कोऑर्डिनेट किया, तो आज वो हमारे साथ आ रहे हैं तो अभी मिलेंगे हमें रास्ते में। तो चलते हैं अभी होटल पे। तो गाइस मैं आ गया हूँ रूम पे वापसी, ये हमारा रूम है और ये पूरी पैकिंग हो चुकी है। अमित भाई निकल चुके हैं और सीधा विद्यांचल यहाँ पे ढाबा है जो कल रात को हमने खाना खाया था, वो बहुत ही अच्छा खाना था, तो वहीं पे अभी ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। अब मैं निकल रहा हूँ सीधा, बाइक पे सामान लोड करूँगा फिर मैं भी उसी ढाबे पे पहुँच जाऊँगा। तो ये है जीपी होटल अब्दुल्लागंज में और बहुत इकोनॉमिकल मिला 750 में। अगर आप आएँ तो इस तरफ, ये मैं इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इनसे बात करके आप रह सकते हैं यहाँ पर। तो चलते हैं नीचे। और रूम खाली कर दिया है जी सर, देख लेना चाबी ऊपर ही है। चलते हैं पैकिंग करते हैं, चल पड़े हैं। तो गाइस यहाँ पे हम रात को पहुँचे थे और रात को आप नहीं देख पाए होंगे अब्दुल्लागंज को, यहाँ सारे कम्युनिटी के लोग रहते हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ विद्यांचल ढाबा, यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे है जहाँ कल रात को हमने डिनर किया था, बहुत ही बढ़िया लगा हमें। तो अभी हमने डिसाइड किया कि लंच भी यहीं पे करके जाएंगे और गौरव भाई को भी मैंने यहीं पे बुला लिया है, गौरव नामदेव भाई जो भोपाल के पास ही रहते हैं, तो आज हमको ज्वाइन कर रहे हैं वो विद्यांचल। यही तो है, यही तो आए थे रात को और ये अमित भाई की बाइक खड़ी है। और गौरव भाई आगे सीधे आगे थे यही? हाँ थोड़ा सा मैं गलत चला गया था, फिर उसका दोबारा लोकेशन देख के फिर आया। अच्छा नाश्ता करो, जल्दी निकल लेते हैं ब्रो। हाँ बस 2 घंटे का आ गया और सफारी ऐसा ना हो ना मिले ना। सफारी तो सुबह सुबह रहती है, शाम है इवनिंग सफारी। अच्छा शाम की, तो शाम को वहाँ पचमढ़ी रुक आने, वो मढ़ई रुकने का, मढ़ई में रुकने का भी है। हाँ रुकने का भी है उधर,
तो 11 बजने वाले हैं, हमारा हो गया है यहाँ पे ब्रेकफास्ट। विद्यांचल होटल है यहाँ पे, ये सामने ये भाई लोग खड़े हैं। तो ये बाइक है हमारी आज की, और गौरव भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं आज। गौरव भाई आप बताएं अपने बारे में। मैं गौरव नामदेव सीहोर से, सीहोर भोपाल के पास, एमपी भोपाल के पास, हाँ वहाँ से मैं ज्वाइन हुआ हूँ। रवि दादा एंड और करते क्या हैं दादा? मैं आई एम ए फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट ये डॉक्टर साहब हमारे, पूरी मेडिकल टीम चल रही है साथ में। ठीक है बाय भाई, बड़े खुश हो रहे थे, कह रहा अभी हमने आपका यूट्यूब चैनल देखा, मजा आ गया। तो गाइस हम चल पड़े हैं भीम केव देखने, जो कि यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पे है। और ये सामने ट्रेन जा रही है, छुक 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 छुक। और अब हमारे पास 3 बाइकें हो गई हैं, तीनों ही डोमिनार हैं। गौरव भाई के पास भी डोमिनार है, अमित भाई के पास तो आपने देख ही लिए, और ये हमारे साथ जुड़ गए हैं। और सिरोही में रहते हैं गौरव भाई, बहुत मन था इनका बाइकिंग करना, क्योंकि यहाँ पे कोई ग्रुप है नहीं इनका बाइकिंग का। सिद्ध स्मारक भीमबेट का, तो ये रास्ता जाता है भीमबेट का के लिए, और ये फाटक आ गया, रेलवे फाटक को क्रॉस करना पड़ गया। और ये हाईवे ट्रीट है, बढ़िया रेस्टोरेंट है। 3 किलोमीटर है बेटे का गुफाएं, भीम बेटी का। तो यहाँ पे कार बस ऑटो बाइक 50 रुपये टिकट ले लेते हैं, 12 रुपये पैदल, 50 रुपये बाइक। कितने पैसे भाई? हाँ जी, कितने? 50 रुपये गाड़ी। तो बाइक का यहाँ पे 50 रुपये चार्ज लिया गया है पर बाइक, जितने भी बाइक आएंगी, और 2 लोग उसमें अलाउड हैं, और ऑटो के 100 रुपये और कार के 150 रुपये। तो ये चार्जेस हैं यहाँ पे। और गौरव भाई अपना बैग साथ में टांग के लेके आए हैं, बांध के नहीं लाए, क्योंकि इनके यहाँ सैडल स्टे वगैरह कुछ भी नहीं है। बाइक पार्क कर लेते हैं, स्टोन एज, हम स्टोन एज में आ गए। तो अभी हम जा रहे हैं देखने भीम बैठका रॉक केव्स देखने, और ये हमारे बिल्कुल सामने हैं। और ये रॉक शेल्टर्स हैं, और 15 रॉक शेल्टर्स हैं इसी रो में हैं। ये 1, 2, 3, 4 इसके पीछे, फिर पीछे इसके बैक साइड पे जाते जाएंगे तो सारे शेल्टर पीछे मिल जाएंगे, और इसमें रॉक पेंटिंग भी आपको देखने को मिलेगी अलग अलग। तो चलते हैं अंदर, हम एक नंबर चलते हैं पहले रॉक पे, केव नंबर 3, केव नंबर 2, और ये केव नंबर 1। तो इस तरह की केव्स में आदिमानव रहते थे, अपना जीवन यापन करते थे। उस समय घर तो होते नहीं थे, तो ऐसे ऐसे गुफाएं पूरे जहाँ भी मिलती थी वहीं पे अपना घर बना लेते थे। ये बारिश में हर मौसम में शेल्टर होता था सभी का। तो गाइस ये है रॉक नंबर 4, और ये जूलॉजिकल रॉक कहते हैं, क्योंकि इसमें सारी मतलब जानवरों की पेंटिंग बनी हुई है, आप देख पा रहे होंगे पूरा पेंटिंग से भरा हुआ है ये। तो ये है रॉक शेल्टर नंबर 8, ये नीचे जो जगह बनी हुई है, और इसके पीछे भी है काफ़ी शेल्टर्स। तो इसी तरह सारे शेल्टर्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो गाइस ये देखिए पेंटिंग, ऊपर 3-4 घोड़े हैं, उस पर बैठे हुए लोग और कहीं जा रहे हैं या डांस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कुछ पता नहीं, लेकिन ये पेंटिंग बहुत ही शानदार है, हज़ारों साल पुरानी, 10-20 हज़ार साल पुरानी पेंटिंग है। और यहाँ पर भी दिखाई दे रही है पेंटिंग, ये वर्ल्ड फेमस पेंटिंग है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये पूरी। तो गाइस ये है शेल्टर नंबर 9, और ये स्टोन पेंटिंग, हाथी बना हुआ है, घोड़ा बना हुआ है, और ये आदमी बना हुआ है छोटा सा। तो ये पेंटिंग है स्टोन पेंटिंग।
तो केव देख के सीधा पहुंच गए हैं हाईवे रिट्रीट पे, और यहाँ पे प्यास लगी थी, ये देखिए आता ही घंटा पे हाथ मारा है भाई पानी और मैंने गर्म कॉफी मंगाई है, लेकिन पीऊंगा कोल्ड कॉफी अब थोड़ा रिफ्रेशमेंट करके चलेंगे यार, काफी थक गए हैं। वहाँ पे पानी की बोतल लेके जाना भाई, जब भी जाना उस तरफ पानी नहीं है ऊपर, हाँ आगे कह रहे थे मंदिर पे मिलेगा, पता नहीं आगे काफी मंदिर था उस पे मिलेगा कह रहे। मड़ई मड़ई कितना दूर है? 120 मड़ई 120 है, 90 किलोमीटर 90 किलोमीटर की राइड। ओके मड़ई गेट, वहाँ भी हम करेंगे सफारी, टाइगर सफारी, यहाँ गर्मी भी काफ़ी है जिसकी वजह से काफ़ी प्यास लगी थी, ऊपर पानी का इंतजाम नहीं था, तो यहाँ पर आ गए थे हम MP टूरिज्म का, साथ में रेलवे फाटक है, ट्रेन आ रही होगी अभी कोई। तो ये हाईवे पे आ गए हैं हम, तो अभी हम जा रहे हैं सतपुड़ा नेशनल पार्क, वहाँ पे करेंगे सफारी, और 92 किलोमीटर है यहाँ से जो डिस्टेंस है, समय दिखा रहा है 2 hours 20 minutes। कहाँ से हो? होशंगाबाद। तावी नदी को क्रॉस कर रहे हैं और इसका ब्रिज पीछे रिपेयर हो रहा है। हमने हाईवे को छोड़ दिया है और लेफ्ट हैंड, ये देखो काम चल रहा है रोड का। तो हम पहुंच गए हैं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, ये पीछे है ऑफिस, और यहाँ पे हमने नाइट्स जो सफारी है जीप बुक करा ली है, 3 लोग हमें और 3 लोग हमारे यहाँ पे मिल गए हैं, टोटल 6 लोग हैं एक सफारी के लिए, तो हमने 2840 दिए हम 3 लोगों ने, और लगभग 900 या 950 रुपये पर हेड आया हमारा। तो अभी करने जा रहे हैं हम लंच, भाई ने इंसिस्ट किया कि नहीं करनी करनी है सफारी, और ये व्यू देखो यार आगे रिवर का व्यू। तो गाइस अभी हम हैं कृष्णा होम स्टे में, तो हमारी सफारी बुक हो चुकी है, अभी जस्ट आने वाली है, नाइट सफारी है, तो अब हम जा रहे हैं सफारी में, और 4-5 घंटे हमारी पूरी सफारी में लगने वाले हैं। बफर जोन में जाएंगे क्योंकि दूसरी वेनसडे को ऑफ होती है, हाफ डे होता है, बाकी लग के अगर कुछ देखने को मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा के जंगल की सैर हो जाएगी। चले गाइड जी। अभी हमारा जो एंट्री गेट है यहाँ पे 10 किलोमीटर है। अच्छा एंट्री गेट ही 10 किलोमीटर जी, अभी 1.5 किलोमीटर का जंगल है, गाँव में लेंगे। अच्छा अपना एंट्री गेट आएगा। अच्छा ठीक, ड्राइवर भाई का नाम क्या है? शिवम सर। शिवम भाई वेरी गुड, तू दिखा देना भाई फोटो ले जा सके ऐसा, तो यादगार हो। शिवम शिवम के साथ गए थे, कुछ लेके आए हैं, दिखा नहीं। आज ब्लॉग भी बनाएंगे हम तुम्हारा। नहीं मिलता ये सब चीजें? मिलता है, कल नहीं दिखा, कंटिन्यू दिख रहा है ना, बाकी अपनी किस्मत। सतपुड़ा टाइगर पठाई। तो फाइनली हम गेट पे पहुंच गए हैं और 10 किलोमीटर का हमने डिस्टेंस कवर करा है, ये देखिए सामने पठाई। और हम एंटर कर रहे हैं, 15 साल का एक्सपीरियंस है। घूमने के लिए 3 गेट है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में, यहाँ का जो मेन गेट है मढ़ई गेट, बरसापानी गेट और जमानी देव गेट। अभी इस दिन एक गेट तो बंद रहता है, उसके अलावा 2 गेट चालू रहते हैं, जमानी देव और परसापानी। बड़ा ही जो गेट है वो आज के दिन बंद रहता है हाफ टाइम, सुबह मॉर्निंग में खुला रहता है। देखिए सर यहाँ पर मिलने के लिए तो लॉयन छोड़कर सभी एनिमल्स मिलते हैं। लॉयन जो है इंडिया में सिर्फ गिर नेशनल पार्क गुजरात में ही पाया। हमको गोली दे दी थी, हमको पूरा पैदल पैदल घुमा दिया कि आ इस पर, इसके पीछे देखो तो शेर मिलेगा। अपने गिर नेशनल पार्क घूम कर आए हो सर?
अरे पैदल घुमा दिए थे भैया हम, तो आपको लाइन नहीं मिला वहाँ पे? तुलसी गिर जो जंगल था वहाँ गए थे हम। रात बज चुके हैं और 3 घंटे से हम कर रहे हैं सफारी और अभी कैंप में आए हैं जो इनका कैंप होता है जंगल के अंदर। और यहाँ पे एक ब्रेक लिया है अभी, यहाँ पे चाय का ऑर्डर दिया हमने, चाय पियेंगे अभी। लगभग 9 बजे तक हम अपने रूम पे पहुँचेंगे। अभी कह रहे हैं कि 1 घंटा और घुमाएंगे। अभी तक हमें लेपर्ड दिखाई दिया है जो फर्स्ट टाइम मैंने देखा है, ना टाइगर। आज तक जितनी सफारी करी मुझे कोई टाइगर ना लेपर्ड दिखा था, फर्स्ट टाइम हमें लेपर्ड दिखाई दिया। आपने लेपर्ड देखा? कैसा लगा? अच्छा था? दूर से देखा ना। निर्वी का चैनल कौन सा है यूट्यूब चैनल? निर्वी की पार्ट चैनल। वाओ। और ये इंदौर से हमारे साथ फैमिली है, आप अपना नाम बताएं। घनश्याम शर्मा। घनश्याम सर क्या करते हैं आप? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। वेरी गुड। आप? नेहा शर्मा। नेहा शर्मा जी सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और कैसा लगा अभी तक आपको सफारी? बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम फर्स्ट सफारी एक्सपीरियंस। बहुत बढ़िया, आपसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा। तो ये हमारे साथ ही सफारी कर रहे हैं, 3 लोग हम हैं, 3 लोग ये फैमिली है इंदौर की। बहुत ही मजा आ रहा है इनके साथ, पूरा घर जैसा ही माहौल है। जाते जाते हमें एक बालू नजर आ ही गया। दूसरे दोनों बालू दोनों नहीं दिख रहे, वो पता नहीं कहाँ है, तो पेड़ आड़ में है, वो नहीं दिख रहे। यार इधर दिखा ना टॉर्च। पेड़ के पीछे चला गया। बहुत खतरनाक होता भालू, डर गई भाग गया पीछे।